हम जानते हैं कि डेवन ने पिछले 5 सालों में खुद की कमियों में काफ़ी सुधार किया है और खुद को पहले से बेहतर और पावरफुल बनाया है, और आने वाले ईस्ट वर्सेस वेस्ट 10 में वह डेनिस का मुकाबला करने जा रहे हैं। एक के बाद एक होने वाली विनिंग्स के बाद इस बार डेविन लेरेट बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि वह डेनिस को हरा देंगे, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और इसके लिए मेरे पास 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, टेक्निक्स ऑफ बोथ आर्म रेसलर्स। लेट मी एक्सप्लेन। डेनिस सिप्लिनकोव अपनी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग में मशीन्स या वेट ट्रेनिंग की जगह मोस्टली ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ आर्म रेसलिंग स्पारिंग ही करते हैं, और आर्म रेसलिंग में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डेवन ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग करते हैं, और इसी कारण डेनिस सिप्लिनकोव का एंड्योरेंस डेविन लेरेट से ज़्यादा है। दूसरा, गेनिंग मोर वेट। डेनिस सिप्लिनकोव का कहना है कि डेवन के साथ मैच से पहले वह अपनी प्राइम फॉर्म का 85% फॉर्म अचीव कर लेंगे, और उस वक्त डेनिस अराउंड 132 किलोग्राम के होंगे, जो कि प्राइम फॉर्म के बहुत ही करीब होगा, और मेरी राय में तब डेनिस को रोक पाना किसी भी आर्म रेसलर के लिए नामुमकिन होगा। और तीसरा और आखिरी रीज़न है स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर डेविन लेरेट। जब से डेनिस और डेवन का मैच फिक्स हुआ है, तब से डेनिस केवल डेविन लेरेट को हराने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वह डेवन की हर टेक्निक को बारीकी से समझ रहे हैं और उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और वैसे भी डेनिस की आर्म्स आज भी इतनी पावरफुल है कि डेनिस को पिन कर पाना किसी भी आर्म रेसलर के लिए नामुमकिन सा है। मेरी नज़र में यह कुछ फैक्ट्स थे जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार डेवन को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस डेनिस का लेवल ही कुछ और है जहां तक डेवन कभी नहीं पहुंच सकता। डेनिस वह इकलौता इंसान है जो डेवन को हराने का दम रखता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।